A very warm welcome to all of you in another podcast of Panther Bliss. आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मिसेस मधुबाला सिन्हा हैं, जिन्होंने हमें मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। उनसे बात करके हमें बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, मेडिटेशन कैसे करते हैं, फोकस कैसे करें, निगेटिविटी को दूर कैसे करें। बट आज का टॉपिक कुछ नया है। ये मेडिटेशन के बारे में नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। हम ये जानना चाहेंगे आज की साइंस और स्पिरिचुअलिटी में क्या संबंध है। हमने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को अंधविश्वास कह देते हैं, स्पिरिचुअलिटी को साइंस से जोड़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक तरीके का साइंस ही है। ये कैसे है, ये क्या है, इनमें क्या संबंध है, आइए जानते हैं मैम से। मैम, आपका स्वागत है पैंथर ब्लिस के इस एपिसोड में। ओम शांति। ओम शांति मैम। तो मैम, हमने देखा है कि स्पिरिचुअलिटी को बहुत सारे, जैसे हमारे पूजा पाठ करने का तरीका, इसके एक साइंटिफिक रिचुअल कहते हैं, हवन होते हैं तो कहते हैं एयर प्यूरिफाई होते हैं, दिवाली मनाते हैं तो कहते हैं दिया वगैरह, जब हम दीप वगैरह जलाते हैं तो इससे कीड़े मकोड़े खत्म होते हैं, घर की सफाई हो जाती है, अलग पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। होली होती है तो उसमें कहते हैं कि फसल होने का, जैसे हिंदू न्यू ईयर इसे कहा जाता है। तो हर चीज़ का एक अपना अलग अलग साइंटिफिक रीज़न है, कारण है जो लोग देते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे इन जनरल अनबायस्ड कि ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या संबंध है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरा संबंध है, लेकिन आज के समय में दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो हमें देखना है कि दोनों कैसे अभी अलग हैं, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। मनुष्य की हमेशा से ये खोज रही है सत्य की और सुख और शांति की। तो जब खोज शुरू हुई तो एक पूर्व के देश ने खोजना शुरू किया और दूसरा पाश्चात्य के देशों ने खोजना शुरू किया। तो जो पूर्व के देश थे, उन्होंने अपने आंतरिक जगत की खोज की का लक्ष्य रखा, एक परम सत्य तक पहुंचने का, और परम सुख क्या है उसको जानना है, उसको समझना है और उसको अनुभव करना है। और पाश्चात्य के देश के जो लोग थे, वो खोज करने गए तो उन्होंने विज्ञान को पाया, और पूर्व के लोगों ने आंतरिक खोज की, वे अपने अंदर की ओर गए, अंतस की गहराई में गए, और उन्होंने पाया कि जो ये जो तत्व है, आत्म तत्व है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, तो उसको उन्होंने आत्मा कहा और परमात्मा कहा, जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता है। और जो बाहर गए, उन्होंने कहा कि मुझे प्रमाण चाहिए। तो दोनों ही खोज में कुछ न कुछ छूट गया। ये देखना है कि आखिर क्या छूट गया विज्ञान में, और फिर आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में भी क्या छूट गया। तो आज तो हम सबके सामने है कि विज्ञान कितना आगे जा चुका है, लेकिन आंतरिक खुशी नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, और लोग स्वार्थी हो गए हैं। सिर्फ अपने सुख की कामना होती है कि मुझे ही जितना साधन हो सके, सुख के साधन प्राप्त हो, और मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। तो एक तरह से देखें तो विज्ञान ने आलसी भी बना दिया है, शारीरिक मेहनत भी छूट गया है। ये तो हुई विज्ञान की बात। और दूसरे तरफ जिन्होंने अंदर की ओर खोज की, तो उन्होंने कहा कि अनुभव ही सब कुछ है। उन्होंने आत्मा का अनुभव किया और उन्होंने कहा कि अनुभव ही सब कुछ है। तो
तो सुख समृद्धि साधनों के पीछे इंसान भागा जा रहा है, ये साइंस ने हमारे सामने स्पष्ट कर दी है। धर्म वालों ने अनुभव कर लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं समझा कि विज्ञान की कसौटी पर इसे उतारा जाए। धर्म वालों ने अनुभव किया कि आत्मा और परमात्मा अविनाशी हैं, जिनका विनाश कभी नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ये कभी विज्ञान की कसौटी पर उतारने की कोशिश नहीं की कि ये जो ऊर्जा है, ये एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है जिसे इसका विनाश नहीं हो सकता है, और इस ऊर्जा में कौन कौन सी चीज है, कौन कौन से तत्व हैं, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया दुनिया वालों के सामने। तो विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों अलग होते गए। तो अब हुआ क्या कि इसकी वजह से जो विज्ञान की तरफ गए, उनके जीवन में बहुत सारी लौकिकता, आधुनिक लाइफस्टाइल आ गई। ये तो हम देख ही रहे हैं, हमारे सामने स्पष्ट है कि आज कितनी आधुनिकता होते हुए भी, सब सुख साधन होते हुए भी मन में शांति नहीं है। फिर भी शांति के खोज में है लोग, थोड़ी सी शांति मिल जाए, जीवन में राहत मिल जाए। आज देखिए, पहले के मुताबिक लोग कितने सुखी हैं, सबके पास सब साधन है, लेकिन जो आंतरिक खुशी है वो नहीं है। और इधर जो आध्यात्मिकता के पास थी, वो तो उन्होंने बाहर जाहिर किया नहीं। और विज्ञान के का देखिए, अभी के समय कहीं कहीं तो ऐसे आविष्कार भी हो गए हैं कि जिनसे विनाश किया जा सकता है पूरी सृष्टि का, पृथ्वी का भी विनाश किया जा सकता है। और अभी के समय में हम तो देख ही रहे हैं कि सामने विनाश खड़ा है, दस्तक दे रहा है विनाश का। और अंत का समय है, जैसा समझ सकते हैं कि ये कलयुग का अंत है। तो ये देखने की फिर आगे धर्म में क्या हुआ है। धर्म है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें अंधविश्वास आने लगा जब उन्होंने खोज की और स्थूल रूप से उसे जाहिर किया। सूक्ष्मता थी वो कहीं ना कहीं गुप्त रख दिया गया और उसको स्थूल रूप से ले आया गया। तो उसमें अंधविश्वास सामने आने लगा, ये पूजा पाठ करने से हमें ये प्राप्त होगा। हालांकि वो सब है क्षणिक शांति के लिए है, लेकिन हमें एक ऐसे चीज को पकड़ना है जिससे हमें स्थायी शांति मिले, चिरस्थायी शांति मिले। मंदिर जाते हैं तो हमें वहाँ की पॉजिटिविटी से थोड़ी सी शांति मिलती है, लेकिन फिर हम जब इस वातावरण के संपर्क में आते हैं तो फिर से उसी प्रभाव में आने लगते हैं। वातावरण में जो पांच विकार का माहौल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो आत्मा के पतन का कारण है। तो फिर से जब उसकी जद में आ जाती है आत्मा, तो फिर से अशांत महसूस करने लगती है, फिर दूसरे को देखती है, दूसरे से कंपटीशन कि वो उसे शांति कैसे है। तो दिखाई क्या पड़ता है कि उसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं इसलिए वो शांत है, नहीं, वो भी अंदर से शांत नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं शांति की खोज में है।
वही देखते हैं कि आध्यात्मिकता में भी मतांतरता आने लगी। इतने सारे मठ पंथ आ गए कि कट्टरवादिता आ गई। हर एक कहता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। एक ऐसा समय था जब दोनों का समन्वय था, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय था। मैम, ये विज्ञान और अध्यात्म जैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी का समन्वय, ये क्या होता है? जब इन दोनों का समन्वय था, मेल था, तो एक ऐसी सुख की दुनिया थी कि वहाँ सुख की खोज नहीं थी, शांति की खोज नहीं थी। सभी स्वतः ही आत्मस्थिति में थे, शांत थे, सुख की खोज नहीं थी। तो उस समय विज्ञान और अध्यात्म का मेल था। अभी भी हम ऐसा कह सकते हैं कि इतनी आधुनिकता होते हुए भी अगर हम अध्यात्म की ओर मुड़े, अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन, अपने अंतर की ओर थोड़ी सी खोज करें, तो हमें वो शांति की प्राप्ति हो सकती है।